कोतवाली थाना सर्कल में एक शादीशुदा महिला के साथ अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार कठोर कारावास और आर्थिक जुर्माना अदागई का फैसला दिया। मामले पर विशिष्ट लोक अभियोग योगेश जोशी ने बताया कि करीब 2 साल पहले घर से निकल बैंक जा रही महिला को आरोपी ऑटो रिक्शा चालक और उसके साथी ने चाकू की नोक पर अगवा कर सुनसान माइनिंग इलाके में झाड़ियों में ले जाकर आरोपी ऑटो रिक्शा चालक नाथू निवासी बोरी केतन फला ने स्वयं और फोन कर अन्य साथियों को बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने आरोपी नाथू उर्फ नाथूलाल को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख रुपए से अधिक राशि के जुर्माने से दंडित किया। ये दिनांक 8/10/2020 को पीड़िता ने पुलिस थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि बैंक से पैसे निकालने के लिए डूंगरपुर बस स्टैंड पर आई थी। वहां से ऑटो में बैठकर बैंक जाने के लिए ऑटो में बैठी, ऑटो वाले ने उसे बैंक नहीं ले जाकर गलियों से निकलता हुआ उसे आसेला मोड़ माइंस के पास सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उक्त मामले का पुलिस थाना कोतवाली ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने आरोपी को दोषी माना है। आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास व 1,10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।